हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन साहब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ के लिए बात करी थी, उसका वेरिफिकेशन हमने देखा था कि किस तरीके से उसे वेरीफाई करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिस्टेंस को लेकर के, रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को लेकर के, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे रेसिस्टेंस के। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो बच्चों, रेसिस्टेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। किसी भी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो हर कंडक्टर की, हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि वो उसका अपोज करता है, करंट के फ्लो होने को रोकेगा। एक टाइम आएगा कि वो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि हर मटेरियल अपने अंदर से इंस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता। तो द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, ड्यू टू विच एनी कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, कोई भी कंडक्टर मटेरियल अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट, इलेक्ट्रिसिटी को अगर रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। वो प्रॉपर्टी ही क्या होगी, रेसिस्टेंस कहलाएगी। अब ये जो बेसिकली अपोजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो अपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है। देखिए, किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर रोड है, मेटालिक रोड में कह सकता हूं, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो मूवमेंट के लिए फ्री है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करूंगा, किसी बैटरी के साथ या सेल के साथ मैं इसे जोड़ूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करने में, अभी क्या कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे। अब जैसे ही मैं इसको करंट के साथ किसी सेल के साथ या बैटरी के साथ जोड़ देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सेम डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। लेकिन सेम डायरेक्शन में शुरू होने से पहले ही ये आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, कॉलिजन करना शुरू कर देंगे, और इस मटेरियल में जो भी एटम्स या अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या आयन्स प्रेजेंट होंगे, उनके सबके साथ क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। तो यहां पर क्या होना शुरू हो गया, इनका कॉलिजन होना शुरू हो गया। ये कॉलिजन ही बेसिकली क्या है, अपोजमेंट है या अपोजिशन है, जिसे हम कह सकते हैं, या ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये आपस में कॉलिजन नहीं करेंगे, इट मीन्स यहां पर कोई भी अपोजमेंट नहीं होगा, इट मीन्स वहां पर रेसिस्टेंस भी बिल्कुल जीरो होगा। अब देखिए, जो रेसिस्टेंस है बेसिकली वो कहां पर ज्यादा होगा, एक जहां पर थिकनेस ज्यादा है। देखिए, यहां थिकनेस कम है तो यहां रेसिस्टेंस क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहां रास्ता नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और यहां स्ट्राइक ज्यादा होगी, यहां पर कोलिजन ज्यादा होगा, टक्कर ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अपोजमेंट भी ज्यादा आएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो थिकनेस पर कैसे वेरी करती है, थिकनेस जितनी कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा। और यहां पर थिकनेस क्या है, ज्यादा दिखाई दे रही है, मोटाई ज्यादा दिखाई दे रही है, इट मीन्स यहां पर खुला रास्ता है, यहां पर एज कंपेयर टू दिस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूवमेंट कर पाएंगे, और कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी कम होगी, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि थिकनेस इसकी ज्यादा है। सो गाइज, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन भी थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो रेसिस्टेंस होती है बेसिकली वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है, अगर मैं बात करूं रेसिस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल होता है रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का जो रेशो है बेसिकली वही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। तो मैथमेटिकली यहां से न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे जा सकते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन I रेशो का यूज करते हुए आपसे क्या निकलवा लेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू निकलवा लेगा, या वोल्टेज कैलकुलेट करवाएगा, या फिर करंट कैलकुलेट करवाएगा। अब क्योंकि वोल्टेज को हम वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, सो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम, क्योंकि ओम्स ने सबसे पहले वेरीफाई किया था ओम्स लॉ को, जर्मन फिजिक्स जो थे, तो उन्हीं के नाम के बेसिस पर इन द ऑनर्ड ऑफ जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट इट इज नेम्ड एज ओम। इसकी जो यूनिट बनी वो ओम थी, तो ऐसा ही यूनिट जो होती है इसकी ओम होती है, और इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, ये सिंबल, इसको ओमेगा बोला जाता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओमेगा। तो यहां से एक डेफिनेशन राइज होती है गाइज, दैट इज ओम। ओम की डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कई बार, तो जैसे ही आपसे ओम की डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूला में वोल्टेज की वैल्यू आप 1 कर दो तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए, अगर मैं किसी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर या क्रॉस सेक्शन एंड पॉइंट्स पर वोल्टेज को 1 वोल्ट कर देता हूं, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। और जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगी उस केस में करंट 1 एम्पियर होगी, तभी उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यहां डेफिनेशन दे दी है कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन द रेसिस्टेंस ऑफ इट विल बी 1 ओम। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि इफ वोल्ट वी की वैल्यू 1 वोल्ट में कर दूं, यानी वोल्टेज जो अप्लाई करी गई है वो 1 वोल्ट हो, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट भी 1 एम्पियर होगा, तब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब किसी भी कंडक्टर का
पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, उसमें फ्लो होने वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 एम्पियर हो, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वही 1 वोल्ट कहलाएगा, यानी कि वो उसका 1 ओम होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्योंकि रेसिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेस पर जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन 3 टर्म्स में, दैट इज कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन इजिली अलाउज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जो भी सब्सटेंस अपने अंदर से इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देगा, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो क्या करेंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, दैट आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। और जो हमेशा ही इनहिबिशन करते हैं, जो हमेशा ही इनफाइनाइटली हाई रेसिस्टेंस रखते हैं, दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी रेसिस्टर्स में से पॉसिबिलिटी है कि वो रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देंगे, लेकिन इंसुलेटर्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देंगे। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा डिफरेंशिएट किया है इन तीनों चीजों के अंदर, तो आप इनको इजिली याद रख सकेंगे। कंडक्टर्स आर हैव वेरी लो रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इनका रेसिस्टेंस एज कम्पेयर टू वो हाई होता है, लेकिन इंसुलेटर्स का बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसको हम इनफाइनाइटली हाई रेसिस्टेंस बोलते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली, दे रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। रेसिस्टर्स का काम होता है करंट के अमाउंट को कम करना। किसी भी सर्किट में अगर करंट का अमाउंट हाई हो रहा हो, तो उस केस में मैं रेसिस्टर्स लगा करके करंट के अमाउंट को रिड्यूस कर सकता हूं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कंडक्टर्स में सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और एल्यूमिनियम, कॉपर या बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं वो भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें भी स्पेसिफिक है सिल्वर। सिल्वर का रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है, जिसकी वजह से इसका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा होगा। रेसिस्टर्स के केस में क्या होता है, बहुत सारे अलॉयज को हम यूज करते हैं, लाइक नाइक्रोम मैं यूज कर सकता हूं, मैंगनीन यूज कर सकता हूं, यूरेका यूज कर सकता हूं, कॉन्स्टेंटन यूज कर सकता हूं। जितने भी हमारे अलॉयज होते हैं जिसमें नाइक्रोम का यूज किया जाता है, उन सभी में रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो गर्म होने के बाद भी, रेड हॉट होने के बाद भी ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर नहीं दिखाते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और मेल्ट नहीं होते हैं। तो रेसिस्टर्स जो होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज करते हैं हम, जो कि नाइक्रोम के वायर से बने होते हैं। इंसुलेटर्स वो हैं जिनके अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, लाइक वुड या रबर जो होता है वो एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हुए, रबर के वियर्स जैसे कि ग्लव्स को या शूज को या फिर स्लीपर्स को वियर करते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई करंट का शॉक लगने का खतरा नहीं होता। सर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स? मुझे तो ऐसी कोई भी चीज समझ नहीं आ रही जो मेरे आसपास कंडक्टर या इंसुलेटर हो। कैन यू प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स विच आर यूज इन आर डेली लाइफ? हाँ बेटा आएगी, बिल्कुल हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, अगर आपने अभी भी स्लीपर्स पहनी हुई हैं या शूज पहने हुए हैं तो वो आपके इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अगर आपने कोई ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं तो वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। बेसिकली जो हम कपड़े पहन रहे हैं उनके अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से हमें बचाते हैं, वो सारे इंसुलेटर्स होंगे। कंडक्टर्स की हम बात करते हैं अगर, तो कंडक्टर्स में आपके सारे वायर्स हो सकते हैं, सारे मेटल्स हो सकते हैं, वो सब कंडक्टर होते हैं। चलो मैं आपको ना कुछ डायग्राम्स दिखा करके कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर समझाता हूं, गौर से उन एग्जांपल्स को देखना। ओके सर। तो बच्चों, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स विच वी यूज इन आर डेली लाइफ, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। देखो यहां क्या होता है, कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने दे, वो क्यों कंडक्टर होता है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो इंसुलेटर की एक कोटिंग करी गई है या रैपिंग करी गई है कंडक्टर के ऊपर, यानी कि जो कॉपर का वायर हम यूज करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन ये कलर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर मटेरियल को रैप किया जाता है। इंसुलेटर को रैप करने का रीजन ये है क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, तो ये हमें करंट लगने के जो चांसेस होते हैं, जो शॉक लगने के चांसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। स्टील जो होता है वो भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से हम बहुत मोटे मोटे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए इन सभी चीजों का यूज करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रेसिस्टर्स। देखो रेसिस्टर जो होते हैं वो कुछ इसी टाइप की शेप वाले छोटे 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 ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो कि करंट ऑफ अमाउंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? हर रेसिस्टर का अपना एक अपोजमेंट होता है, अपनी एक रेसिस्टेंस होती है। ये रेसिस्टेंस हर रेसिस्टर की फिक्स होगी। जैसे कि मान लो फर्स्ट वाले रेसिस्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि शायद इसका रेसिस्टेंस 5 ओम हो, और जो ये लास्ट वाला रेसिस्टेंस मैंने यहां लगाया है, हो सकता है इसका रेसिस्टेंस 10 ओम हो। लेकिन यहां पर सारी फिगर्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली एक जैसा हो सकता है। अब आपको करना क्या है, देखिए इनका साइज भी छोटा बड़ा होता है, और इनके ऊपर बनी हुई जो लाइनिंग्स हैं, जो आप देख पा रहे होंगे कलरफुल लाइनिंग्स जो इस तरीके से बनी हुई हैं, उनके बेसिस पर भी इनके रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है कि कितने ओम का रेसिस्टेंस इस रेसिस्टर का है। तो ये कुछ रेसिस्टर्स होते हैं जो हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स जब हम यूज करते हैं तो वहां पर इन सभी को ऐड किया जाता है, क्योंकि ये जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर ज्यादा हो रहा हो तो ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। और ये हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। जैसे कि ये ग्लव्स की मैं बात कर रहा हूँ, कपड़े के ये ग्लव्स बने हुए हैं, प्लास्टिक का कोई भी वायर हो सकता है, प्लास्टिक की रैपिंग जब हम कर दें, रबड़ हो सकती है, रबड़ की कवरिंग हम कर देते हैं बहुत सारे मटीरियल्स पे, ग्लास की हम बात करें, शीशा, तो ये सारे के सारे जो बेसिक लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में ही यूज करते हैं, डेली हम इनको छूते भी हैं, तो ये दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस को फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, दैट इज फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर का मतलब हुआ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एज द लेंथ इंक्रीजेस, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हो तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। जितनी बड़ी लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा कोलिजन ज्यादा करने का मिलेगा। और अगर आप लेंथ को रिड्यूस कर देते हो, एज द लेंथ रिड्यूसेस तो रेसिस्टेंस आल्सो रिड्यूसेस। लेंथ जितनी छोटी होगी रेसिस्टेंस उतना कम होगा उस कंडक्टर का। ये दो बातें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल पोर्शन में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दैट इज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रिलेशन आपको याद रखना है, एज द क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, क्योंकि ये वाइस वर्सा है। आप एरिया को बढ़ाओगे, एरिया को बढ़ाने का मतलब है थिकनेस बढ़ा दी हमने, और थिकनेस के लिए अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है रेसिस्टेंस घटता है, और जैसे जैसे थिकनेस घटेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये दो बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आपको याद रखना है कि अगर आपकी थिकनेस बढ़ती है तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर आपकी थिकनेस घटती है कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमने बात करी कंडक्टर्स के बारे में, रेसिस्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल ही है। कंडक्टर की जो नेचर है बेसिकली वो अफेक्ट करती है, कितना अच्छा कंडक्टर है कितना बेकार कंडक्टर है वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर, उस सब्सटेंस पर जिससे वो मिलकर के बना हुआ है। जैसे मैं बात करूं सिल्वर की, सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम और कॉपर की, एल्यूमिनियम कॉपर अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी सिल्वर इज मोर एफिशिएंट कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर। क्यों? क्योंकि सिल्वर की रेसिस्टेंस होता है ऑलवेज जीरो होता है, लगभग जीरो होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर की जो रेसिस्टेंस होती है वो एज कंपेयर टू सिल्वर ज्यादा होगी। तो सिल्वर का रेसिस्टेंस कम होने की वजह से ये अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इसी तरीके से रेसिस्टर्स हैं, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड कर रहा है, और यहां पर इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर्स की नेचर ही ऐसी होती है कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर भी डिपेंड करता है, एज द टेम्परेचर राइज रेसिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं के बिहाफ पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी को लेकर के, और उस पर बेस कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। छोटे 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 इन मोटिवे छोटी छोटी इन चीज़ों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है।